हेलो गाइस, आज मैं चिकन का पिकल्स बनाने जा रही हूँ और आप देख सकते हो ये पूरा चिकन। अब पहले मैं इसको वॉश करती हूँ फ्रेश वाटर से। अब मैं चिकन को पीसेस करने जा रही हूँ। अब मैं बोन्स और फ्लेश को सेपरेट कर रही हूँ। अब ये फ्लेश को मैं छोटे छोटे पीसेस में काटने जा रही हूँ। अब ये छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट चुकी हूँ। अब इसको मैं फ्राई करने जा रही हूँ। चिकन पिकल के लिए इतना स्पाइसेस की ज़रूरत होगी। ये एक लेमन है, ये अदरक लहसुन है और ये रेड चिल्ली है, ये कोरिएंडर सीड्स है और ये जीरा है और ये सौंफ है और ये मेथी है। ये लेमन और ये अदरक लहसुन को मैं साइड पे रख देती हूँ। अब मैं ये बचे हुए स्पाइसेस को रोस्ट करने जा रही हूँ। मिर्च को रोस्ट करने जा रही हूँ मैं।
इसको डाल डाल दूँ। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब ये रोस्ट किए हुए स्पाइसेस को मैं पीसने जा रही हूँ। पूरी तरीके से ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा, इसको वैसे फ्लेक्स बना के छोड़ना है आपको। अब मैं अदरक लहसुन को पीसने जा रही हूँ।
देख सकते हो मैंने इसको पूरी तरीके से डीप फ्राई कर चुकी हूँ। उसके बाद ये मसाला को डाल के चाहिए मैं। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी और नमक, नमक स्वाद के हिसाब से। ये फ्राई किए हुए मसाला के ऊपर में ये पूरा रोस्ट किए हुए मीट को डाल दूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब ये नींबू को मैंने चार पीस पे काट दिया है। अब ये ठंडा होने के बाद मैं इसके ऊपर डाल दूँगी वो कटे हुए नींबू को। अब मैं ये लेमन को स्क्वीज़ कर देती हूँ ऊपर से इसे। अब मैं ये अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ग्लास के कंटेनर में आपको रखना है। आप प्लास्टिक के कंटेनर में नहीं रख सकते क्योंकि वो जल्दी स्पॉइल हो जाता है, तो इसलिए मैं ग्लास के कंटेनर में रखने जा रही हूँ। अब इस पिकल को 1 से 2 महीने तक खा सकते हो।